अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है फलक शेर और आप इस वक्त देख रहे हैं फलक हैक एंड टेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस से कॉइन या यूएसडी वगैरह किस तरह ख़रीदें और किस तरह बेचे जाएं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बाइनेंस ऐप है, इसे विड्रा या डिपॉजिट किस तरह किया जाए, इजी पैसा, जेल कैश या लोकल बैंक में, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनेंस वॉलेट में आ जाना है आपने। अपना पासवर्ड फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आप बिल्कुल आखिर में दाएं तरफ ये वॉलेट का ऑप्शन देख रहे होंगे, आपने यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा फंडिंग का, ठीक है। आपने फंडिंग पे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद फिर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक है पे का और दूसरा है P2P का, ठीक है। सबसे पहले पे की बात कर लेते हैं। अगर पे पर जाया जाए तो ये वो चीज़ है जहाँ पर आप किसी ऐसे शख्स को कॉइन वगैरह बेचते हैं जिसको आप जानते हों, ठीक है। यहाँ पर पे एक आईडी होता है, ठीक है, एक आईडी नंबर होता है, आपने वो अपना कॉपी करके अगले बंदे को भेजेंगे, ठीक है। उसे अगर कॉइन लेना चाहते हों या बेचना चाहते हों तो ये लेकिन ये एक ऐसे शख्स के लिए जिसको आप जानते हों, जिसका फ़ोन नंबर आपके पास है, अगर नहीं है तो ये नहीं, ठीक है। जो दूसरा तरीका है वही मेन है, वही उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो है P2P, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, यानी कि पर्सन टू पर्सन, एक शख्स को हम बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट, यानी इसके बीच में जो ब्रोकर का काम करता है वो बाइनेंस ऐप खुद है, ठीक है। P2P पे आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो खुद P2P और दूसरा है एक्सप्रेस का ऑप्शन, ठीक है। जो यहाँ पर आप बाय का ऑप्शन देख रहे होंगे P2P, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर आपने बाय पे क्लिक कर देना है और जो यानी USD वगैरह, BTC या जो कुछ भी है ये सामने आप लाइन लगी हुई है, इनमें से कुछ ख़रीदना चाहते हैं वो आप ख़रीद और बेच सकते हैं सिंपली, ठीक है। ये सेल का ऑप्शन है, अब यहाँ इनमें से जो भी चाहें आप इनमें से बेच सकते हैं, यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी हैं आप उनको बेचना चाहते हैं तो इधर से बेच सकते हैं, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। P2P वो चीज़ होता है कि यहाँ पर एक शख्स है, यानी जो मर्चेंट होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं या ख़रीदने वाले होते हैं, वो अपनी रेट बताते हैं, यानी ये एक शख्स कह रहा है कि 309 रुपये पे एक USD या एक डॉलर मैं बेच रहा हूँ, ख़रीदूँगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप 4 लाख की बेचें तो, ठीक है, लेकिन हम 4 लाख की नहीं बेच रहे, तो हम तो बहुत कम की बेच रहे हैं इस हिसाब से। और इसी तरह जो एक्सप्रेस होता है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एक्सप्रेस में जाए, ठीक है। अगर आप इधर से ख़रीदना चाहते हो तो ये सिंपल आपने बाय पे क्लिक कर देना है और वो शख्स और जो कुछ ख़रीदना चाहते हो, जितना ख़रीदना चाहते हो वो आपने ऊपर फिल कर देना है। लेकिन अगर आप कुछ बेचना चाहते हो तो सेल पर आ जाना है और मैं इस वक्त बेचने वाला हूँ USDT, ठीक है, आपके सामने बेचूँगा। अब मुझे जो मेरा सेट वो ज़ीरो दिखा रहा है कि आपके पास तो कॉइन है ही नहीं बेचने के लिए, लेकिन मेरे पास 215 USDT हैं। तो सिंपल मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, ये जो आपको ट्रांसफ़र का बटन दिखाई दे रहा है येलो में, यहाँ से ये ऑटोमेटिक फिल किया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर आपको मैक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे, तो आपने सिंपल ये है करना है कि जैसे आपके वॉलेट में होंगे उधर से अपने फंडिंग वॉलेट में अपने कॉइन भेजने हैं। मुझे USD भेजने थे, मैंने भेज दिए, मैंने ये वीडियो थोड़ी मिस कर दी, मैं असल में वीडियो के बंद कर दिया था। तो यहाँ से आप कुछ भी भेज सकते हैं फंडिंग स्पॉट वॉलेट से डायरेक्ट फंडिंग वॉलेट में, ठीक है। तो वो 215 USDT मेरे फंडिंग वॉलेट में आ गए हैं और मैं इसको बेच रहा हूँ 309 के रेट के हिसाब से, यानी ये एक एवरेज बताता है। इसके अंदर जाने के बाद फिर पता लगता है कि यानी क्या हिसाब किताब है। इजी पैसा अगर आपने दिया हो तो इजी पैसा, जेल कैश दिया हो तो जेल कैश वगैरह सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 215 सेलेक्ट करके मैं सिंपल यहाँ पर नीचे सेल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपल हम सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे, फिर हमें पता लगेगा कि हमारे इजी पैसा पर क्या रेट है और जेल कैश पर या बैंक अकाउंट में क्या रेट है, मुख्तलिफ रेट होती है। तो ये आ चुके हैं हम अंदर और आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर 307 रुपया 0.90 पैसे 90 पैसे
इसी पैसा में, लेकिन जो बैंक है वो थोड़ा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं कुछ फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा, 308.02 पैसे, ठीक है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रकम बहुत बड़ी हो तो इसमें फिर फ़र्क आ जाता है, यानी कि वो बंदे कह रहे हैं कि बैंक में अगर लेंगे तो मैं ज़्यादा महंगे यानी कि आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, अगर आप इसी पैसा में पैसे लेंगे तो मैं आपको थोड़े से कम दूंगा। तो बैंक सेलेक्ट करूंगा मैं, और उसके बाद मैं नीचे कन्फर्म सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, सो मैं इसको सेल कर दूँगा। ठीक हो गया, ये हमारे अब ऑर्डर लग चुकी है बेचने के लिए। ये हमारे जो एक सामने बंदा है, ये उन्हीं P2P में से ही है, लेकिन जो एक्सप्रेस होता है वो सबसे बेस्ट रेट आपके पास लेकर आता है, बेहतरीन, तो हमें उधर से यानी कि खुद सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऊपर आप नाम देख रहे हैं, शाहजेब अहमद नाम है उसका, और ये मुझे भेजेगा अभी 66,222.15, ठीक है, 66,222 रुपये ये मुझे ये बंदा भेजने वाला है। तो तब तक कुछ इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं कि कितने देर बाद ये बंदा बेचता है। तब तक हम पीछे आए, तो जो USDT यानी कि आप बेच रहे हैं वो अभी तक आपके स्पॉट वैलेट सॉरी फंडिंग वैलेट में पड़े हुए होंगे, जब तक कि आप उनको खुद कोड लगा कर अगले बंदे को ना भेजें। तो इस दरमियान में ये याद रखें कि आपके जहन में अगर ये ख्याल आए कि मैं इनको बेच सकता हूँ किसी और को भी, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस दरमियान में जो ब्रोकर का काम करता है वो खुद बाइनेंस ऐप खुद ब्रोकर का काम करता है, सो आप इनको किसी को भी नहीं बेच सकते, ये खुद अपने पास रख लेता है, ना आप निकाल सकते हैं ना अगर उसको बेचना ना चाहें तो। सो गाइस, ये देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है कि डियर फ्लक्चुएट 66,222 हैज़ रिसीव्ड, तो ये मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच चुके हैं, मुझे मैसेज रिसीव हो गई है सिम पर, तो मुझे देखने की बैंक ऐप चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद इस बंदे ने ये पेमेंट मांग रहा है अपनी कि मुझे अब 215 USDT भेजो, क्योंकि मैंने वो भेज दिए। सो मैं इसको ये 215 भेजने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको पैसे रसीद ना हो और बंदा कह दे कि मुझे भेजो, तो आपने ये लिख देना है, यानी ऊपर वाले क्लिक करना है कि पैसे बंदे ने पैसे भेजे ही नहीं और पैसे मांग रहा है, यानी कि पैसे भेजे ही नहीं और कॉइन वगैरह मांग रहा है। सो मैं दूसरे को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इसने भेज दिए। तो उसके बाद आपको एक कोड यानी आपने अपना अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके सिम पर भी एक कोड आ जाता है, वो आपने फिल करके आप उसको ईज़िली पैसे भेज सकते हैं, ठीक है, तो यानी कॉइन भेज सकते हैं। मैंने 215 USDT भेज दिए, उसकी प्राइस थी 66,222, और ऊपर आप सेल का लेबल भी देख रहे होंगे। यहाँ पर आप नीचे उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं उस बंदे के लिए कि अच्छा था या बुरा था। सो आई होप कि आप इस वीडियो से सीखे होंगे और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके किसी भी काम ये वीडियो आई तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कुछ अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।